लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्ष अभी भी बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी नेता लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस पूरी घटना की सिटिंग जज के द्वारा जाँच होनी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में जाँच के आदेश दिए थे और जाँच के लिए एक विशेष एसआईटी का गठन किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले की जाँच नहीं हो जाती तब गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को अपना पद छोड़ देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि जब तक अजय कुमार मिश्रा पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही हुड्डा ने कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में यूपी पुलिस ने देरी की है, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी में देरी की। हुड्डा ने कहा कि लखीमपुर में जिस तरह से किसानों को रौंदा गया ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। तल्ली करना चाहिए था, उस FIR में नाम था और इसकी जो है सिटिंग जज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, ताकि पता लगे कि जो डिफरेंट पार्ट है जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है ये ऐसा हमने कभी देखा नहीं और इसकी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा बोल रहे हैं कि MOS को भी डिटेन करना चाहिए वो, क्योंकि जब तक इंक्वायरी ना चले, इंक्वायरी पूरी ना हो, वो मतलब अगर वो MOS रहे तो पुलिस कैसे कर सकती है, फेयर वो नहीं हो सकता। तो उनको जब तक इंक्वायरी ना हो तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। सर आज आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर, करनाल से आप शुरुआत करने जा रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष, उसका क्या उद्देश्य रहेगा सर? मैं विपक्ष आपके समक्ष जो लोगों ने चुन के भेजा है और उन लोगों से हम बात लेंगे, फीडबैक लेंगे, सारे जिलों में जाएंगे और विधानसभा का जो चुनाव आएगा इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि विफल सरकार है। हर वर्ग के लोग आएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे, हमको इनको भाषण देने नहीं जा रहे, हम उनको सुनने जा रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।